जय हो भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी। कामिका एकादशी के दिन करीब भगवान विष्णु से जुड़े ये उपाय मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कामिका एकादशी 2024 उपाय। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इन ज्योतिषीय उपायों को अपना सकते हैं। आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं, इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। सावन मास में पड़ने वाले कामिका एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से धन संपन्नता के साथ खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। जय मां लक्ष्मी। राज्य हेल्थ कामिका एकादशी के दिन करें भगवान विष्णु से जुड़े ये उपाय मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। जय मां लक्ष्मी। सुख समृद्धि का आशीर्वाद कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इन ज्योतिषीय उपायों को अपना सकते हैं, इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। सावन मास में पड़ने वाली कामिक एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करने से धन संपदा के साथ खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सावन मास की कामिका एकादशी के दिन उनकी पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगत व्रत रखते हैं। गुरुवार के दिन एकादशी पड़ने के कारण इसका फल और भी अधिक बढ़ गया है। जैसे ऐसे में आपकी बात चाहे तो इस उपाय को अपना कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के दिन कौन से उपाय करने का होगा शुभ लाभ। ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम धन धान्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं भगवान से। करें विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा आती है। इसके साथ ही कुंडली में गुरु भ्रष्टि की स्थिति मजबूत होती है। तुलसी के पौधे की पूजा। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। अगर हम कामिक एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो हमें विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ हीम होम नमो भगवते नारायण नमः मंत्र का जाप करें। धन लाभ के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक पीले रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठ 1 रुपया और 5 पीले रंग की कौड़ियां रखकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के पास रख दें, फिर विधिवत पूजा कर लें। अंत में प्रमुख का आशीर्वाद लेते हुए इसे तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें, जहां पर आप अपने पैसे ज्वेलरी जो कुछ भी तिजोरी में रखते हैं अलमारी में रखते हैं जहां भी रखते हैं वहां पर रख दें। करियर में प्रगति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में तरक्की ही तरक्की हो तो एक पीपल का पत्ता लें और उसमें पीला चंदन या फिर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और
इसे भगवान विष्णु को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते नारायण नमः मंत्र को बोलें। इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। करियर में प्रगति के लिए अगर आप चाहते हैं तो तरक्की ही तरक्की हो, तो एक पीपल का पत्ता लें और उसमें पीले चम कष्टों से निजात पाने के लिए, जीवन में एक कष्ट खत्म नहीं होता है, अगर आपके जीवन में कष्ट खत्म नहीं हो रहा है और दूसरा खड़ा हो जाता है, तो इसके लिए कामिक एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज वस्त्र पैसा आदि दें, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वैसे उनकी मदद करें, दान करें। सुख समृद्धि के लिए घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, इससे लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी, धन धान्य से घर भरपूर हो जाएगा। जिसे भी वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय भगवान विष्णु, जय हो माता लक्ष्मी, हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी वीडियो देख रहा है उस पर अति कृपा बरसाएं। जय माँ लक्ष्मी।